23 मार्च को धामी सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार का एक साल पूरे होने पर बीजेपी इसे जश्न के तौर पर भी मनाएगी। इसकी जानकारी खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी। 23 मार्च को धामी सरकार का कार्यकाल एक साल पूरे होने पर बीजेपी के जश्न मनाने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, बीजेपी किस बात का जश्न मना रही है। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने आज देहरादून बीजेपी कार्यालय में बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक बजट को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि बजट आम जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के सड़क मार्ग का किराया तय हो गया। 3 श्रेणियों की बसें आज श्रद्धालुओं को चारधाम के दर्शन कराएगी। एक यात्री के लिए लग्जरी बस का किराया 5,700 रुपए है। 10 दिनों की यात्रा सरकार की निगरानी में रोटेशन समिति कराएगी। बस सेवा की बुकिंग ऋषिकेश में ऑफलाइन होगी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। ऋषिकेश, रुड़की, अल्मोड़ा सहित कई शहरों में जमकर बारिश हुई, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है और मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से निजात मिली है। रुद्रपुर में कच्चा रोड पर एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। इस दौरान पास में बनी झोपड़ियां और कई वाहन भी आग की चपेट में आ गए। आग इतनी विकराल थी कि सबको जलकर राख हो गया। करीब 1.5 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों की आज कोटद्वार एडीजी कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट में तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए। वहीं तीनों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया और कोर्ट ट्रायल की प्रार्थना की, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च को तिथि नियत की है। साथ ही अंकित और पुलकित की जमानत प्रार्थना पत्र की याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली दरों में 12% तक बढ़ोतरी हो सकती है। विद्युत नियामक आयोग ने इस पर मुहर लगा दिया। आयोग 23 मार्च को बढ़ी हुई दरें जारी कर देगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के 27,50,872 उपभोक्ताएं प्रभावित होंगे। सोमेश्वर में करीब 70 साल से विलुप्त मानी जा रही उड़ने वाली गिलहरी देखने को मिली है। ये गिलहरी तारों में फंसी हुई थी, जहां स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उसे तार से निकाला, जिसके बाद वो गिलहरी उड़ गई। हरिद्वार के ऋषिकूल आयुर्वेदिक कॉलेज में 3 दिवसीय आयुर्वेद और पशु चिकित्सा संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन चलने वाली सेमिनार में आज पशुओं के चिकित्सा आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई।